के पानी हेतु 3 माह से परेशान है। आनंदा रेसिडेंसी इमारत के 240 फ्लैट धारक या आनंदा रेसिडेंसी शिवाजी नगर कस्तूर पार्क शिंपोली रोड बोरिवली वेस्ट में स्थित है। आनंदा रेसिडेंसी नामक यह 20 मंजिल की इमारत 1.5 साल पहले बनी है। यहां पर 240 लोगों ने 2.2 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा है, लेकिन पानी और पार्किंग की समस्या से यहां के लोग परेशान हैं। इस मामले की शिकायत मिलने पर उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने आनंदा रेसिडेंसी के नागरिकों से मुलाकात कर उनकी पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। घर घर जल ये मोदी जी ने 3 साल पहले इम्प्लीमेंट किया पूरे देश में। तेलंगाना राज्य पहला आ गया, महाराष्ट्र की सरकार ने अभी उसको इम्प्लीमेंट किया। एक सांसद के नाते मैंने 2 साल के पहले इसको इम्प्लीमेंट किया। मालोनी मलाड साइड में बड़े पैमाने पे हम लोगों ने अपने पैसे से पाइपलाइन डालकर लोगों ने सिर्फ मीटर का और प्लम्बर का जो खर्चा है वो देकर कनेक्शन का बड़े पैमाने पे काम कर लिया। अब उद्धव जी ने 4 दिन के पहले इसकी घोषणा की और ये घोषणा ही रहने वाला है, क्योंकि जो एक नेक्सस बना हुआ है, ये आनंद बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो पार्थ नाम के बिल्डर ने इसको बनाया है। यहाँ के सोसाइटी के एक भाई का क्या नाम है भाई, इनका प्रमोद भाई का कहना है कि बिल्डर ने बहुत सारे कॉम्प्लेंट्स बाकी रखे हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप पुलिस को मैं कंप्लेंट कर दीजिए तो आपका वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करूँगा। लेकिन मुझे यहाँ पर बहनों ने मेरे ऑफिस में 3-4 बार आकर शिकायत की, मैंने कामकाज का प्रारंभ किया, वाटर डिपार्टमेंट के लोग आए बार बार यहाँ पर, लेकिन इसका पूरा जाँच करने के बाद में मुझे ये पता चला कि इसमें एक नेक्सेस है, पॉलिटिशियन का नेक्सेस है, प्लम्बर का नेक्सेस है, टैंकर वालों का नेक्सेस है, और बहुत डीपली में जाने के बाद में ये पता चला कि बिस्लरी जो पानी बेचते हैं उनका भी नेक्सेस है, और बड़े पैमाने पे 200-200, 250-250 फ्लैट मेंबर जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ये पानी कोई ना कोई कारण से कम करके ये सारा बाकी अदर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अब 3 दिन के बाद में जो प्लम्बर था उसने पाइप जो है वो जैसा डालना चाहिए वैसे डाला नहीं, तो मैंने यही वाटर वर्क्स को कहा कि आप उसको तुरंत मेमो दो। ये कहने का पीछे का मकसद ये है कि एक बार बिल्डर का ऑक्यूपेशन आने के बाद में पानी आ जाता है तो पानी कम आ जाता है। अब 200-250, 240 मेंबर जहाँ पर रहते हैं, करोड़ों रुपए का फ्लैट ले लिया, पानी के लिए और 10,000 रुपये निकालेंगे तो 240 मेंबर का 10,000 के हिसाब से 24 लाख रुपए हो जाता है, और 2-5 लाख रुपए तो प्लम्बर को आसानी से ये लोग दे देते हैं। और बहुत डीपली अगर जाएंगे तो जैसे हमने पॉलिटिशियन की बात, मैं पॉलिटिशियन को क्यों उसमें जोड़ता हूँ, क्योंकि फिर ये लोगों को यह लगना नहीं चाहिए कि अपने बारे में कुछ कहते नहीं, हमारा नगर सेवक का कोई फॉल्ट होगा, हमारे एमएलए का फॉल्ट होगा, मेरा फॉल्ट होगा, वो भी पब्लिक डोमेन में लाए। कुछ सोसाइटी के जो चेयरमैन वगैरह बनते हैं जो अच्छे हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी बनते हैं कि ये सारा इसमें बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल व्यवस्था है, अपने अपने माध्यम से करते हैं। ये बहुत जल्दी पॉलिटिशियन नगर सेवक आमदार खासदार के पास भी जाते नहीं है, ये सारा अदर सिस्टम को पकड़ के काम करवाते हैं, फिर बाद में अपना अपना उंगली सीधा करने का काम ये लोग करते हैं। अब एक बात और भी मैं आपके ध्यान में लाकर देना चाहूँगा, यहाँ पर एसटीपी है, यानी जो सीवेज का पानी जाता है वो उसको फिल्टर करके फ्लशिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये 24 घंटा चलता रहता है, तो इसका लाखों रुपए में बिल आ जाता है। एक तो वो लाखों रुपए का बिल भरने का, लाखों रुपए का पानी का बिल भरने का, हवा आता है पानी नहीं आता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी को, हम लोग कहते हैं कि हमको आने वाले दिनों में मुंबई शहर में महापौर लाना है, तो हम महापौर लाने के बाद में ये सारा सिस्टम को ठीक ठाक करेंगे। मेरा पहला मुद्दा आपको मैं कहना चाहता हूँ, इसको आप मुंबई शहर के हर नागरिक तक पहुँचाओ, जिस दिन बिल्डिंग बनने के बाद में पर फ्लैट 5 व्यक्ति के हिसाब से 135 लीटर पानी हम लोग देते हैं, तो यही वाटर वर्क जो है वो पहला ही दिन आकर ये कैलकुलेशन के हिसाब से पहला उन्होंने पानी देना चाहिए, पहले दिन ही उसने पानी देना चाहिए। ये बिल्डर भी करता नहीं है, प्लम्बर भी नहीं करता है, और लोगों को पता नहीं है इसलिए वो लोग भी नहीं करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम आने वाले दिनों में ये सिस्टम को मुंबई शहर में अमल में लाएंगे। पहले ही दिन देखिए, लोग सिस्टम के लिए है कि सिस्टम लोगों के, डिजास्टर हो जाता है भाई, टैंकर वालों ने स्ट्राइक करना है ना, डिजास्टर हो गया, बराबर है ना, तो डिजास्टर में तो थोड़ी परेशानी होने वाली है। अब टैंकर वालों का स्ट्राइक क्यों है, मैं तो मानता हूँ कि मुंबई को हम भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में ये भी एक अपने चुनावी एजेंडा में जोड़ेंगे कि मुंबई को हम टैंकर फ्री करेंगे, जैसा मीरा भाईंदर का चल रहा था, मुंबई को हम टैंकर फ्री करेंगे तो ये टैंकर वाले का मस्ती सब चलेगा ही नहीं। आखिर ये टैंकर वाले पानी कहाँ से लाते हैं, ये मुंबई महानगर पालिका का ही पानी लाते हैं और बेचकर पैसा बनाते हैं, ये ऑफिसर लोग ध्यान नहीं रखते हैं, ये पानी लाते कहाँ से हैं टैंकर वाले, कुआ वेल सब बंद हो गया, हाँ बोरिंग का पानी पीने के लिए उपयोग नहीं है, म्यूनसिपालिटी ने सर्कुलर निकाल दिया, फिर ये टैंकर वाले पानी कहाँ से लाते हैं,
इसका भी तो कहीं ना कहीं हिसाब किताब हमको करना पड़ेगा। ये सारा नेक्सस सभी लोगों का मिलकर लोगों को परेशान करने का चल रहा है, उसको कम से कम भारतीय जनता पार्टी बंद करने का प्रयास करेंगे। पूरे मुंबई के लिए हम लोग करेंगे, लेकिन कम से कम मैं उत्तर मुंबई का सांसद हूँ तो उत्तर मुंबई की गारंटी और जवाबदारी मैं लेता हूँ।